हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप मेरे क्लास में नई हैं या नए हैं और ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें 100% मिलेगा। और ऐसा हो नहीं सकता कि जो मैं पढ़ा रही हूँ उसमें से कोई क्वेश्चन ना आए, ठीक है। तो ये मैराथन क्लास है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, इंग्लिश की, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बता दे रही हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी और आप इजीली कर सकेंगे। तो चलिए, जो पहले फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर था, ठीक है, हम शुरू करेंगे किससे, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर से शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसमें फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में कितने, चार लोगों के नाम दिए थे ना, एक था विलियम शेक्सपियर, एक था विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन और कौन था, जॉन वर्ड्सवर्थ थे। इन चारों के बारे में आपको डिटेल करें तो इस वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं जिस से स्टार्ट करने वाली हूँ वो है विलियम वर्ड्स वर्थ, ठीक है। विलियम वर्ड्स वर्थ से रिलेटेड है सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट है। विलियम वर्ड्स वर्थ पैदा कब हुए थे, 7 अप्रैल 1717 यानी 1770 पे हुए थे, ठीक है। और इनकी डेथ हुई थी 23 अप्रैल को। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि सभी क्वेश्चंस में बर्थ या डेथ में से एक क्वेश्चन लग जाता है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है 7 अप्रैल को जन्म हुआ था और 3 अप्रैल को 23 अप्रैल को मृत्यु हुई थी। अब आपको बता दें, जो इनकी डेथ हुई थी वो एक ल्यूरेसी नाम के डिजीज़ की वजह से हुई थी, जो कि फेफड़ों में पानी भर जाता है, ठीक है, उस डिजीज़ की वजह से इनकी डेथ हुई थी। अब आपको बता दें कि ये जो थे, ये थे पोएट ऑफ लेक डिस्ट्रिक्ट। तो जो लेक डिस्ट्रिक्ट वर्ड है ये इम्पोर्टेंट है कि कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि लेक पोएट जो है कहाँ से बिलोंग करता था, वर्ड्स वर्थ, तो लेक डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। फिर चलिए हम अपने क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इनके बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क्स में जो मतलब मेन क्वेश्चन आता है बस मैं वही कराऊंगी आपको, इसके अलावा अनसर्न कुछ भी नहीं कराऊंगी, ठीक है। इनका सबसे पहला वर्क है, पोएम है इनकी, ठीक है, टिन टर्न एबे, टिन टर्न एबे इनका एक वर्क है जो ब्लैंक वर्स में लिखी गई थी, ठीक है, और जो है पब्लिश हुई थी लिरिकल बैलेड्स में। ये पब्लिश हुई थी, कब हुई थी, 1798 में ये पब्लिश हुई है, ठीक है। इनकी नेक्स्ट जो है वो है इन मोरालिटी ओड, ये इनकी क्या है, एक पोएम है। और ये इससे जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि इनकी ऐसी कौन सी पोएम थी जो दो स्टेजेस में डिवाइडेड थी। तो इनकी जो इमोरलिटी मोड है ये दो स्टेजेस में डिवाइडेड है, ठीक है, जिसमें पहले में 4 स्टैंजास लिखे थे इन्होंने, फिर जब दूसरी बढ़ाई तो इसमें कितने स्टैंजास ऐड कर दिए, वो हैं 7, पहले 4 बनाई फिर 7, ये है इमोरलिटी ओड में, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सॉरी नेक्स्ट पोएम की तरफ। इनकी जो सबसे फेमस है द प्रीलूड, ये बहुत क्वेश्चन में आया है, ठीक है, ये इनकी क्या पोएम है, ठीक है।
आपको बता दें, ये जो पोएम है ये ऑटो बायोग्राफिकल पोएम है। ये क्वेश्चन आता है, उसमें ये पूछते हैं कि वो कौन सी पोएम थी जो ऑटोबायोग्राफिकल पे लिखी थी। तो इनकी यही पोएम थी जिन्होंने ऑटोबायोग्राफिकल पे लिखी थी, सेंट कोलरिज के ऊपर। सेंट कोलरिज जो इनके बहुत ही पक्के मित्र थे, इस पोएम को ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, ठीक है। और ये जो पोएम लिखी, और इस एक चीज़ क्वेश्चन और आता है कि कोलरिज ने ये पोएम किस लिए लिखी थी। तो इसके पीछे बैकग्राउंड ये है कि कोलरिज ने जब ये पोएम लिखी थी, क्योंकि प्रीलूड इनकी बनाई हुई बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफिकल थी, तो इनको जवाब देने के चक्कर में इन रिटर्न ऑफ दिस प्रीलूड इन्होंने एक पोएम और लिखी थी, ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। इनकी अगली पोएम है सॉलिटरी रीपर। ये आपने बहुत सुना होगा ना, सॉलिटरी रीपर है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। इनकी नेक्स्ट है डैफोडिल, फिर है इक्वालिटी। ये सब इनकी पोएम्स हैं। अब इनके कुछ स्केचेस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इनका पहला स्केच है टू अ स्काईलार्क, ठीक है। फिर इनका दूसरा स्केच पीटर बेल, ये ध्यान से देखिएगा क्योंकि 1819, ठीक है। इनकी तीसरी जो थी गाइड टू लेक्स, इनकी नेक्स्ट थी रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ठीक है। फिर रिपेंटेंस, ये पास्टोरल बैलेड में लिखी गई है, ठीक है, पास्टोरल बैलेड में लिखी गई है। फिर इनकी द लीच गैदरर, द लीच गैदरर, ठीक है, ये कुछ इनकी इम्पोर्टेंट है, ठीक। फिर इनके देखेंगे नेक्स्ट कि इन्होंने लिखी थी टू मिल्टन, इसको लंदन के नाम से भी जाना जाता है, लंदन 802, ठीक है। ये क्या, इनकी एक सोनेट है। फिर इनकी एक है द रेनबो, बस उसके नाम आपको जानने ताकि जब क्वेश्चन आए तो आप उसको करेक्टली मार्क कर सको। रेनबो के ऊपर आता है कि किस पे बेस्ड है, ये लिरिक वर्जन पे बेस्ड है, 1802 पे पब्लिश हुई थी, ठीक। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इनके से रिलेटेड, कि एक क्वेश्चन है इनका लूसी पोएम करके, जिससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है। लूसी पोएम है, इस पोएम में 5 पोएम्स इंक्लूड है, ठीक है, इन पोएम में 5 पोएम इंक्लूड। तो पहली पोएम है स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन के बाद जो इनकी सेकेंड लूसी पोएम में इंक्लूडेड है वो है आई ट्रैवल्ड
लास्ट में आएगा वेज, इससे याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में कभी क्वेश्चन आता है कि कौन सी पोएम का, तो लूसी पोएम, ठीक है। फिर है इनकी शी ड्वेल वेज, शी ड्वेल लूसी। फोर्थ है इसमें डिड माई स्पिट, सॉरी फोर्थ है सॉरी थ्री ईयर्स शी एंड शावर। देन फिफ्थ है डिड माई स्पिट, ठीक है, इसकी स्पेलिंग देख लीजिए करेक्टली, डिड माई स्पिट, डिड माय स्पिट, ओके, ये मैंने करी। फिर इनकी कुछ और पोएम्स हैं, इनका नाम है टू द फुट। फिर इनकी नेक्स्ट एक और है द वर्ल्ड इज टू मच चैनल, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वर्ड्सवर्थ के बाद होगा, तो चलिए। अच्छा मैं आपको इसमें ये भी बता देती हूँ, टिंटन एबे किस चीज़ के ऊपर बेस्ड इनकी पोएम थी, क्योंकि टिंटन एबे से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे टिंटन एबे, बेसिकली इनकी जो टिंटन एबे थी ये इनकी चाइल्डहुड मेमोरी पे थी, ठीक है, चाइल्डहुड मेमोरी पे थी। दूसरी बात, ये नेचर की बात करते हैं कि नेचर से चाइल्डहुड में कैसे जुड़े हुए, ठीक है। फिर जो इन्होंने बात करी है ओड टू मोरालिटी में, इम ओड इमोरालिटी में, ठीक है। तो इसमें इन्होंने बात करी है अर्ली चाइल्डहुड मेमोरीज अबाउट द ग्रोइंग एंड लूजिंग कनेक्शन विद नेचर, इसमें उन्होंने बात करी है कि नेचर से हम अपना कनेक्शन कैसे ब्रेक करते हैं, ठीक है। ओड इमोरालिटी और टिंटन एबे सेम नहीं है, सेम इससे नहीं है क्योंकि टिंटन एबे में पोएट बात कर रहा है नेचुरल ब्यूटी की, मतलब उसकी तारीफ कर रहा है, नेचर की अप्रिसिएशन कर रहा है, ठीक है। और ओड इमोरालिटी में क्या कर रहा है, ओड वाले में, ओड इमोरालिटी में यहाँ पर अपना कनेक्शन कैसे लूज़ करा है उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।